आप देख रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज़, मैं हूं मोहम्मद वसीम अकबर। पुलिस और पब्लिक के बीच हुई हाथापाई के मामले की जांच करने एसएसपी बाबूराम खुद विश्वविद्यालय थाना पहुंचे। मंगलवार को हुए हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ था। एसएसपी ने एसआई धनंजय कुमार तिवारी एवं दूसरे पक्ष के लोगों की बात सुनकर मौके पर ही एसआई श्री तिवारी को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया। वहीं उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही भी करने की बात कही। एसएसपी ने बताया कि उन्हें विवी थाना का दो मामले की शिकायत मिली थी। पहले मामले में ठेला से सब्जी उठाने के आरोप की जांच के दौरान सब्जी विक्रेता उपस्थित नहीं हुए, स्थानीय वार्ड पार्षद उपस्थित थे, उनसे घटना की जानकारी ली गई लेकिन उन्होंने घटना की पुष्टि नहीं की। दूसरे मामले में पीड़ित पक्ष के सदस्य ने अपनी बात को रखते हुए बताया कि मुकेश शर्मा नामक व्यक्ति उनके पति सोनू यादव को गांजा पीने के लिए बराबर फोन से बुला लेता है। पति सोनू यादव को गांजा पीने से छुड़ाने के लिए विवि थाना के एसआईडी के तिवारी को फोन कर सूचना दी थी। एसएसपी ने महिला से आवेदन लेने एवं स्टेशन डायरी की तहकीकत की तो कोई भी तथ्य सही नहीं पाए गए। यहां तक कि थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह एवं सर्कल इंस्पेक्टर मनोज कुमार को भी इस संबंध में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं होने की बात सामने आई। सब्जी विक्रेता एवं युवक झड़प का मामला एक ही एसआई के द्वारा किया गया है, यह संदिग्ध आचरण का मामला बनता है। वही मुकेश शर्मा के परिजनों का आरोप था कि बिना किसी गुनाह के आए दिन एसआई साहिब मुकेश की पिटाई कर देते थे एवं टेम्पो को जब्त करने की धमकी देते थे। महिला के पति सोनू यादव एवं उसके दोस्त मुकेश शर्मा से जब पूछताछ की गई कि गांजा कहां से लाते हैं तो वे एक महिला के बारे में बताया जिसकी जानकारी थाने के एसआई को थी। एसआई से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि यहां महिला गांजा बेचती है लेकिन कार्यवाही नहीं करने की बात बताई। एसएसपी ने पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि गांजा बेचने वाले को गिरफ्तार करें। निर्देश मिलते हैं बाघ मोड़ से गांजा बेचने वाले बिरजू कुमार महतो को 17 पुड़िया गांजा के साथ दबोच लिया। सदर एसडीपीओ अनोज कुमार ने जब पूछताछ की तो बताया कि वह मुजफ्फरपुर जिले के गाया घाट से गांजा लाकर बेचता है। हालांकि युवकों द्वारा जिस महिला से गांजा की खरीद की जाती है वह महिला की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। इधर एसएसपी ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी तरह की शिकायत हो, खासकर अभी कोरोना वायरस से संबंधित हो, तो उन्हें व्हाट्सएप पर देंगे। जिले में संबंधित थाना अध्यक्ष एसडीपीओ एवं उनका मोबाइल नंबर जगह जगह